साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत। जय भीम साथियों, मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जंग की बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का फैसला किया तो कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। इनमें कई ये कहकर इसका समर्थन कर रहे थे कि देश में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने पर टूरिज्म और कारोबार बढ़ेगा। तो कई लोगों का मानना था कि इसमें लगाया गया लगभग 3000 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के साथ साथ दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकता था। अब एक बार फिर मूर्ति पर बहस छिड़ चुकी है, या ये कहें कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की, जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे और लखनऊ में तो इसे 108 फीट का बनवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बसपा की सुप्रीमो मायावती का भी पलटवार बयान आता है कि अगर वे जीतते हैं तो वो सपा से ऊंची परशुराम की मूर्ति बनवाएंगी। इसका सीधा सा गणित इतना ही है कि यूपी में 2022 में चुनाव है। अब दोनों ही पार्टी का दलित और यादव वोट बैंक बटा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के खेमे में है। लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विकास दुबे के एनकाउंटर के कारण मौजूदा सरकार से नाराज हैं। ऐसे में सपा और बसपा दोनों ही पार्टी के पास ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने का सुनहरा मौका है, जिसे वो जाने नहीं देना चाहते। दोनों ही सरकार को लगता है परशुराम की मूर्ति बनवाने से ब्राह्मण खुश हो जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया इस पर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या काफी पहले जातिवाद विरोधी लड़ाई को पीछे छोड़ चुकी है। यह दरअसल अभी राजनीति के हिंदूकरण करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है और ये हिंदुत्व की जो राजनीति है उसकी होड़ में लगी हुई है। इससे इन्हें कतई कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, यह बात पक्के तौर पर समझ लेनी चाहिए। जब सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई थी तब बसपा की सुप्रीमो मायावती ने इसकी आलोचना की थी, क्योंकि मायावती ने अपने शासनकाल में बाबा साहेब अम्बेडकर सहित दलितों और पिछड़े वर्ग के महान कवियों और लेखकों की मूर्तियां बनवाई थी। तो उस वक्त बीजेपी ने मायावती के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। मायावती ये आरोप भी लगा चुकी है कि बीजेपी को दलितों और पिछड़े वर्ग के महापुरुषों से दिक्कत है, इसलिए वो इन महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों पर सवाल खड़े करती है। मायावती द्वारा बनाई गई मूर्तियों और पार्कों पर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इसके बदले अस्पताल और स्कूल बनवाते। सभी पार्टी एक दूसरे की मूर्ति राजनीति पर इसलिए आलोचना करती रही क्योंकि सबको इसमें फिजूल खर्चा लग रहा था, लेकिन ये फिजूल खर्चा तब तक लगता है जब दूसरी पार्टी बनवाती है। जैसे ही इन नेताओं की खुद की पार्टी मूर्ति राजनीति करती है, वैसे ही पार्टी का स्टैंड बदल जाता है। खैर, अभी बात हो रही है परशुराम की मूर्ति की। सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों को दलितों और ओबीसी का पार्टी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों ही पार्टी विकास का मार्ग छोड़कर मूर्ति राजनीति में फंस रही है, या वाकई में मूर्ति बनवाने से इन्हें ज्यादा फायदा होता दिख रहा है।
मायावती को दलितों का नेता कहा जाता है। ऐसे में यदि मायावती परशुराम की मूर्ति बनवाएगी तो क्या ब्राह्मण वोट उनके खेमे में आ जाएगा और क्या दलित वोट भी बना रहेगा? जातिवाद हिंदुत्व की व्यवस्था का हिस्सा है और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये जातीय इंजीनियरिंग करने में ही लगी हुई है। कास्ट इंजीनियरिंग का ही यह नमूना है कि वो जातियों के और ख़ास तौर से जो वर्चस्वशाली जो जातियां रही हैं उनके चरित्रों को, उनके प्रतिनिधि चरित्रों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि उस वर्चस्वशाली जातियों का वोट उन्हें हासिल हो सके। लेकिन यह शायद उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित होने जा रही है। कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब गड़बड़ा गई है। ऐसे में मूर्ति पर पैसा खर्च करने से यदि इन पार्टियों को जीत मिलती है तो हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए और मूर्तियों पर ही निर्भर होने की जरूरत है। आज बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए द शूद्र के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम, जय भारत।